साथियों नमस्कार, आज के वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का पूरा डिटेल आपको देने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें, आपको नॉलेज 100% पूरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया कि आप किस तरह से टेबल को डिजाइन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल को डिजाइन करने का पूरा वीडियो मैंने पिछले वीडियो में दिया। अब टेबल के बाद अब अगला हम काम जो करेंगे यहाँ पे, किस तरह से एक्सेस में हम बनाए फॉर्म। अब यहाँ पे हम आपको एक बेहतर फॉर्म डिजाइन करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रिएट टैब पे जाना है, फॉर्म विजार्ड पे आके क्लिक करना है। अब कौन से टेबल या क्वेरी से आप फॉर्म बनाना चाहते हैं वो टेबल या क्वेरी ले लें, फिर उसके बाद फील्ड को ऐड कर लें। अब फिर आप नेक्स्ट करें। यहाँ पे देखिए, जैसे कोई फील्ड एक्स्ट्रा हो जाती है या कोई फील्ड एक्स्ट्रा आ गई तो यहाँ पे भी वो दिखाई पड़ेगी। तो आप जिस फील्ड को नहीं चाहते, जैसे हम इसको नहीं चाहते, तो आप जो फील्ड नहीं चाहते उस फील्ड को आप बैक कर सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट करें, फिर नेक्स्ट करें और फिर उसके बाद फिनिश कर दें। जैसे ही आप फिनिश करेंगे, ये पूरा का पूरा फॉर्म आपके सामने बनकर तैयार हो गया। अब इस फॉर्म को हम एक बिल का रूप देंगे और हम आपको यहां पे डिजाइन करके दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पे आप बिल तैयार कर सकते हैं इसी फॉर्म से ही। तो इस पे राइट क्लिक करें और डिजाइन व्यू में जाएं, यहां पर जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले बिल का रूप देने के लिए इस पे आपको नाम लिखना है कि आपके इंस्टीट्यूट का क्या नाम है। तो आप लिख सकते हैं, जैसे हमने यहां लिख दिया क्षमा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो यहां पे इंस्टीट्यूट का नाम ने दे दिया। अब हम क्या करते हैं, फिर यहां से हम इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा लेंगे। फॉर्मेट पे जाके फॉर्मेट में जाएंगे तो आप फॉन्ट साइज मिलता है, तो फॉन्ट साइज को आप बढ़ा लें। इसकी पूरी फॉर्मेटिंग आप फॉर्मेट से कर सकते हैं ताकि ये बेहतर दिखने लगे। अब फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे हम एड्रेस भी फिल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्पेस और लेके नीचे हम एड्रेस के लिए डिजाइन टैब में जाके यहाँ पे एक लेबल ले लें। लेबल से हम यहाँ पे ऐड कर दें एड्रेस अपना। तो जैसे बीचों बीच एड्रेस ऐड करना है तो यहाँ पे बीचों बीच हमने ले लिया। और अब हम क्या करते हैं, बीचों बीच एड्रेस को ऐड कर दें, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया जाए। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो हमारे पास स्पेस बेहतर हो जाएगा। तो अब हम लेबल लेके और यहां पे जहां हमें एड्रेस लिखना है वहां पे हम क्लिक कर देते हैं और यहां पे हम लिख देते हैं अपना एड्रेस। यहां पे हम अपना एड्रेस टाइप कर दे रहे हैं और एड्रेस टाइप करने के बाद फिर हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। और जैसे कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखना है तो आप कॉन्टेक्ट नंबर भी यहां पे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां पे कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर देते हैं। तो हमने कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर दिया। कॉन्टेक्ट नंबर ऐड हो गया। कॉन्टेक्ट नंबर ऐड होने के बाद फिर इसको हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं जहां चाहें। अब हम इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को बेहतर बनाते हैं। तो बेहतर बनाने के लिए हम लोग यहां से रेक्टेंगल या कोई शेप ले ले ताकि ये उतना ही कलर में हो, जिससे ये अलग डिफरेंट मोड डिफरेंट लुक दे हमको। तो इतना हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं फॉर्मेट पे और इसके कलर को चेंज कर देते हैं हम लोग ये इस तरह से, और इसको पीछे की तरफ भेज देते हैं। तो पीछे की तरफ भेजने के लिए अरेंज में जाके इसको सेंड टू बैक करना होगा। सेंड टू बैक पे पीछे चला गया। अब हमको अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हम टेक्स्ट के कलर को चेंज करते हैं। टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए फिर से फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे आप टेक्स्ट कलर को चेंज कर लें। जैसे इधर रेड आपने लगा दिया तो यहाँ पे आप ऐसा कोई कलर लगाएं जिससे वो टेक्स्ट आपका दिखने लगे। तो चलिए हम येलो लगा देते हैं। तो येलो पे रेड और येलो का कम्बिनेशन हो जाता है तो यहाँ पे दिखाई पड़ने लगता है। तो यहाँ पे ये इधर हमने टाइटल की फॉर्मेटिंग कर दी। अब उसके बाद हम यहाँ फील्ड को सेट करते हैं। जैसे ये फील्ड है तो यहाँ पे हम फील्ड को थोड़ा सा छोटा कर लें।
अब हम इस फील्ड को उठा के, जैसे सीरियल नंबर क्या होता है, सीरियल नंबर सबसे ऊपर ऐसे सेट कर देते हैं, जिससे क्या हो कि यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटो लेना है, मैंने ऑटो नंबर सीरियल का कर रखा है तो इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, नेम को सेट करते हैं, नेम फील्ड यहाँ पे होगी। अब उसके बाद नेम ज्यादा बड़ा ना हो इसके लिए हम एडजस्ट कर देते हैं, ऐसे फील्ड को सेट कर लेते हैं। फिर इधर फादर नेम को भी जो है, जैसे ये फी है तो इसको थोड़ा सा दाएं बाएं कर ले अभी एडजस्ट करने के लिए, बाद में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये फादर नेम को हम नेम के सामने यहाँ पे सेट कर दें। ये जैसे फील्ड है तो फील्ड को ऐसा भी कर सकते हैं कि फील्ड ऊपर, फील्ड का नाम ऊपर दिखे और आपका ये लेबल, लेबल ऊपर दिखे और जो टेक्स्ट बॉक्स है वो नीचे हो। तो ये लेबल है और ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो लेबल को ऐसे ऊपर रख दिया और टेक्स्ट बॉक्स को इसके नीचे रख दिया, तो क्या होगा, थोड़ा सा लुक भी बेहतर हो जाएगा। तो ये इसको एडजस्ट करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद फिर मदर नेम हो गया, तो मदर नेम को हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, या इसको नीचे कर दें, फोटो को भी हटा दें साइड में। इसको अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं पूरा का पूरा, आप जैसी फॉर्मेटिंग करना चाहेंगे आप ठीक वैसी फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग के लिए आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं, पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग यहाँ पे आप बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। देखिए फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वीडियो को अंत तक देखते रहें जिससे आपको ये जानकारी पूरी मिल पाए। और अब हम यहाँ पे इसकी डिजाइनिंग पूरी करते हैं, डिजाइनिंग पूरी करने के बाद ही हम कुछ यहाँ पे कर पाएंगे। तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, जैसे यहाँ पे हमने आधार नंबर कर दिया, फिर डेट ऑफ बर्थ कर दिया, तो ज़्यादा टाइम ना लें हम आपके वीडियो का, ताकि आप लोगों को भी बोरिंग ना हो भाई। यहाँ पे हमने पेमेंट मोड एडजस्ट कर दिया है, फिर मोबाइल नंबर एडजस्ट कर दिया, बाकी आप लोग अब पूरा का पूरा फॉर्मेट सेट ही कर सकते हैं, इसमें बहुत इशू नहीं आएगा। यहाँ पे हम ईमेल आईडी का जो बॉक्स है उसको थोड़ा छोटा कर लें और इसको एडजस्ट कर लेंगे। फिर फोटो जो है, फोटो को हम यहाँ बीच में एडजस्ट कर दें कहीं पे। अब इधर बैलेंस फी है और पेमेंट मोड है, किधर पेमेंट मोड तो ऊपर था, तो ये जैसे पे फी है तो पे फी को भी हम यहाँ पे नीचे एडजस्ट कर देते हैं। आई कार्ड बना है या नहीं बना इसके लिए भी हम यहाँ पे ऐसे कॉलम बना रखा है हमने, तो ये इसको पूरा अपने हिसाब से आप सेट कर लें। जैसे इसको आप जिस तरह से सेट करेंगे पूरा का पूरा उसी तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे इसको सेट कर लिया। फिर एडमिशन फी, फिर उसके बाद मंथली फी, एक एक को हम एडजस्ट कर लेंगे तो जिससे आपको चीजें कंफर्म हो जाएंगी। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे पूरे आपके बॉक्स बने हुए हैं, तो इनको हमने एडजस्ट कर लिया। फिर उसके बाद ये टोटल फी को भी एडजस्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पे हम ऐसा बना दें, जैसे ये बैलेंस है तो बैलेंस को लास्ट में रखते हैं, पे फी को यहाँ इसके ठीक नीचे, फोटो के ठीक नीचे सेट कर दें, फोटो के ठीक नीचे सेट कर दें और बैलेंस फी को यहाँ सेट कर दें। अब नीचे हमें एक बॉक्स में लिखना है, कुछ स्पेशल बातें लिखनी है। जैसे क्या होता है कि कभी कभी हम लोग नीचे कोई इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, तो इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए हम लेबल लगा सकते हैं, लेबल यहां से यहां तक, फिर नीचे इसमें लिख सकते हैं नोट, नोट लिख दें, नोट लिख देते हैं। अब यार जो भी हमारा नोट है आप अपने अकॉर्डिंग टाइप कर लेंगे। ये पूरा नोट हमने टाइप कर दिया। नोट टाइप करने के बाद फिर अब हम, ये नोट टाइप हो गया, चलिए नोट कंप्लीट। अब उसके बाद अगला काम में क्या करना है, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद अब हम इसको सेव कर लेते हैं, फाइल में जाके सेव, या कीबोर्ड से कंट्रोल एस या राइट क्लिक करके सेव कर सकते हैं। और अब सेव करने के बाद इसमें हम आपको कुछ बटन्स भी बनाना सिखाएंगे। इसको सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। अब जब आप ओपन करेंगे फॉर्म तो आप देखें आपका फॉर्म कुछ इस तरह से दिख जाएगा। अब हम इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और सिखाते हैं आपको। अब आप डिजाइन करते हैं, डिजाइन करने के बाद अब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हम चलिए एक बटन बना दे रहे, जैसे किसी भी स्टूडेंट का ये है बटन, डिजाइन टैब पे मिल जाएगा, बटन पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे एक बटन हम छोटी सी डेवलप करते हैं कि इस पे जैसे ही इस बटन पे कोई क्लिक करे तो एक ये फॉर्म क्या हो जाए, क्लोज हो जाए या प्रिंट हो जाए।
चलिए प्रिंट सेट कर दे, प्रिंट फॉर्म, प्रिंट फॉर्म किया तो नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया, फिर यहां पे प्रिंट फॉर्म, फिर यहां पे इसको लिख देते हैं सेव एंड प्रिंट, सेव एंड प्रिंट, सेव एंड प्रिंट लिख दिया, सेव एंड प्रिंट लिख के नेक्स्ट करते हैं। फिर यहां कमांड लिखा है 48, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो ऐसे छोड़ दे, ऐसे फिनिश कर दे, तो सेव एंड प्रिंट बन गया। फिर उसके बाद एक और बना दे, एड न्यू रिकॉर्ड, यहां पे एड न्यू रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड नेविगेशन फाइंड नेक्स्ट गो टू इसमें रिकॉर्ड ऑपरेशन पे एड न्यू, एड न्यू रिकॉर्ड, यहां पे इसको कर देते हैं एड न्यू रिकॉर्ड, एड न्यू रिकॉर्ड, और फिर नेक्स्ट करके फिनिश करते हैं। तो जैसे ही हमने नेक्स्ट करके फिनिश किया तो यहां पे एक और बटन बन गई एड न्यू रिकॉर्ड की। अब उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद फिर हम क्लोज करते हैं, तो ये फॉर्म बनके तैयार हो गया। अब यहां पे एक छोटी सी एंट्री हम आपको करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम आपको अगला स्टेप इसमें बताएंगे। अब यहां पे हम जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उनका नाम हमने टाइप कर दिया, यहां पे एक डमी नाम हम देते हैं, तो हमने ये नाम दे दिया, फिर उसके बाद मदर नेम दे दिया, फिर आधार नंबर इनका अभी दिखाता हूं मैं आपको। यहां पे हमने सेट कर रखा है कि आधार नंबर 12 अंकों से ज्यादा ना ले, तो ये आप आगे सेवन कुछ नहीं पड़ेगा, मैं चाहे जितना टाइप कर लूं। तो अब हम टैप करते हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ इनका जो है वो हम डेट ऑफ बर्थ यहां पे लिख दें, चाहे ऐसे आप जैसे आज की डेट ऑफ बर्थ है तो ऐसे टुडे कर दें, या कोई और डेट है, या कोई जैसे कि मान लीजिए उनका डेट ऑफ बर्थ हम कर देते हैं 2003, तो 2003 हो गया। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर यहां पे हमने सेट कर रखा है 10 अंकों से ज्यादा ना ले, तो आप आगे ज्यादा एंटर नहीं कर सकते, मैंने 10 अंक दे दिया। ईमेल आईडी इनका जो भी है, ईमेल आईडी हमने दे दिया, और फिर ईमेल आईडी हमने इनपुट कर दिया। आईडी कार्ड बना है तो टिक करें, नहीं बना तो छोड़ दें, तो बना है। फिर एडमिशन डेट, जैसे आज ही की डेट में एडमिशन हुआ है तो टिक करें। क्वालिफिकेशन इनका क्या है, 12th पढ़े हैं, 12th पढ़े हैं। अब उसके बाद एडमिशन फीस जैसे कितनी लगी है इनकी, मान लीजिए एडमिशन फीस 6000 लगी है, मंथली फीस इनकी जो लग रही है वो 3000 रुपए मंथली लग रही है, तो 12 महीने का 36000 रुपए हो जाएगा, तो 36000 पे कर दिया। रजिस्ट्रेशन मान लीजिए इनका 5000 रजिस्ट्रेशन लगा है। फिर उसके बाद एग्जाम फी कितनी लगी है, मान लीजिए एग्जाम फी 6000 रुपए लगी है, तो अब टोटल फी हाँ प्रैक्टिकल एग्जाम फी भी है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम फी 7000 है। अब टोटल फी जो हुई वो 60000 रुपए हो गई। अब हम टैब की दबाएं तो यहाँ पे आ जाएंगे, पे फी कितना पे किया है इन्होंने, मान लीजिए इन्होंने 50000 रुपए पे किया है। अब जैसे ही टैब करेंगे तो 10000 रुपए यहाँ शेष बचेगा। फिर इन्होंने पेमेंट मोड, पेमेंट कैसे किया, कैश किया है। फिर फोटो लगानी है तो इस पे दो बार क्लिक करें, ऐसे दो बार क्लिक करें तो आपके सामने ऐड करके ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक करें। अब इनकी फोटो जहां पे भी है वो फोटो सेलेक्ट कर लें। अब मान लीजिए कि यहाँ पे फोटो है तो सेलेक्ट करके ओके कर दें, तो ये पूरा का पूरा फॉर्म बनके तैयार हो गया। अब हम चाहते क्या है कि इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे पीडीएफ बनाना चाहते हैं, जो भी प्रिंटर आपके पास है उसके माध्यम से आप इसको कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पीडीएफ आपको बना के दिखाता हूँ। ये पीडीएफ बन गया, और अब हम आपको दिखाते हैं जब ये पीडीएफ बना, तो ये है पीडीएफ, इसको आप देखें तो ऐसे छपेगा, ये पूरा का पूरा प्रिंटिंग इस तरह से होगा। अब उसके बाद यहां पे जैसे आप चाहते हैं कि अब अगला रिकॉर्ड हो तो ऐड न्यू रिकॉर्ड करें, तो अगला रिकॉर्ड एंट्री होना चालू हो जाएगा। तो ये तो था फॉर्म, अब हम आगे आपको आगे बताएंगे कैसे क्वेरी और रिपोर्ट इसमें बनाए। तैयार होने के बाद अब हम आपको बताते हैं कैसे एक्सेस में आप क्वेरी तैयार कर सकते हैं। तो एक्सेस में क्वेरी तैयार करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये हमने टेबल बना रखा है, टेबल आप देख लें, यहाँ पे हमने ये एंट्री कर रखी है। अब इस टेबल से हमें क्वेरी तैयार करनी है, तो आप क्रिएट टैब पर जाएं, तो क्वेरी दो तरीके से बनाई जाती है, एक तो विजार्ड से बनाई जाती है, दूसरी डिजाइन व्यू से बनाई जाती है। तो अगर आप डिजाइन व्यू से क्वेरी बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे क्लिक करें। अब जो भी टेबल या क्वेरी बने होंगे ऑलरेडी पहले से बने हैं, उनके नाम यहाँ पे आ जाएंगे, आप ऐड करके क्लोज कर दें। अब यहाँ पे आप फील्ड के सामने
कौन कौन सी फील्ड से आप क्वेरी बनाना चाहते हैं, जैसे नेम से बनाना चाहते हैं, सीरियल नंबर तो कंपलसरी होता है, बिकॉज भाई सीरियल नंबर नहीं होगा तो काउंट करने में प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पे हमने ये ले लिया। फिर उसके बाद नेम ले लिया, नेम चाहिए हमको, और मान लीजिए सारे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, तो ये ले लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये बन गया क्वेरी। अब क्वेरी को हम सेव करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और सेव पे क्लिक करके यहाँ पे क्वेरी के लिए कोई भी नाम दे देते हैं, फिर ओके करते हैं तो क्वेरी बन गया। अब हम क्वेरी को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ रन क्वेरी कर देंगे तो ये क्वेरी रन हो जाएगी। तो इस तरह से आप बहुत ही इजी वे में डिजाइन भी उससे क्वेरी बना सकते हैं। बट अगर आपको विजार्ड का यूज करके क्वेरी बनाना है तो आप क्या करें, क्वेरी विजार्ड का यूज करना है तो क्वेरी विजार्ड पे जाएं, सिंपल क्वेरी विजार्ड पे जाएं और फिर ओके करें। कौन कौन सी फील्ड से आपको क्वेरी बनाना, जैसे नेम चाहिए और उनका आधार नंबर चाहिए, आधार नंबर चाहिए और फिर उनका आईडी कार्ड नंबर चाहिए, आईडी चाहिए, आईडी बनी है कि नहीं, फिर नेक्स्ट करें, फिर नेक्स्ट करें और फिर फिनिश कर दें नाम देके, तो ये बन गया क्वेरी। तो इस तरह से आप क्वेरी बना के तैयार कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। क्वेरी के बाद जो यहाँ पे बनाना है हमें रिपोर्ट, रिपोर्ट हम बनाते हैं। रिपोर्ट बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो एक विजार्ड से बना सकते हैं, एक रिपोर्ट टूल का यूज करके, दूसरा डिजाइन का यूज करके। तो सबसे ईजी होता है रिपोर्ट टूल का यूज करके। देखिए जैसे क्या होता है, हमने यहाँ पे जिस टेबल से हमें रिकॉर्ड रिपोर्ट बनाना है उस टेबल को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब फिर हम यहाँ पे रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो एक सिंपल सा रिपोर्ट बनके हमारे सामने तैयार हो गया। एक तो तरीका यह है रिपोर्ट बनाने का, आप रिपोर्ट को सेव कर सकते हैं, नहीं करना है तो क्लोज कर दीजिए। दूसरा तरीका है विजार्ड का यूज करके, आप विजार्ड पे जाएं, पूरी फील्ड अगर आप चाहते हैं तो पूरी फील्ड को आप सेलेक्ट करें। अब जैसे मैंने बताया था कि फॉर्म बनाया जाता है, ठीक वैसे ही आप रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिपोर्ट को हमने क्या किया, जैसे ही फिनिश किया तो ये रिपोर्ट बन गया। अब रिपोर्ट में भी आप डिजाइन कर सकते हैं, जैसे अभी रिपोर्ट में देखिए पूरा डिटेल आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो आप क्या करें, तो ऐसे में रिपोर्ट को डिजाइन व्यू में डिस्प्ले कर लें। डिजाइन व्यू में डिस्प्ले करने के बाद अब एक एक फील्ड को आप उठा उठा के जहां चाहे अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। जैसे फादर नेम है तो इसको यहां रख सकते हैं, ये इसको लेबल पे इधर ला सकते हैं, तो आप इस तरह से एक एक फील्ड को एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप कर लेंगे, मैंने आपको यहाँ पे पूरा तरीका बता दिया, आप एक एक फील्ड को एडजस्ट करके फिर उसके बाद रिपोर्ट को यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। रिपोर्ट, रिपोर्ट होता क्या है, रिपोर्ट में जब भी आप जैसे जो भी आप टेबल या क्वेरी में आप एंट्री करते हैं, ये देखिए फादर नेम जो मैंने एडजस्ट किया था वो यहाँ पे आ गया, बाकी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो जो भी आप रिकॉर्ड में मतलब टेबल या क्वेरी में या फॉर्म में एंट्री करेंगे वो सारी एंट्रीज यहाँ पे दिखने लगेगी। तो ये होता है रिपोर्ट। फॉर्म में एक दो चीजें और हैं जो मैं आपको बता दूं। जैसे फॉर्म में आप, ये आपका फॉर्म है, इस फॉर्म को आपने डिजाइन व्यू में किया। अब यहाँ पे फॉर्म में बहुत सारे और भी ऑप्शंस होते हैं, लिस्ट बॉक्स है, कम्बो बॉक्स है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, तो इनका भी यूज करके मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखाऊं। जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आप फॉर्म में एंट्री करते रहे और साइड में कोई वीडियो चलता रहे, तो अब इसके लिए आप सबसे लास्ट में चले आए, यहां पे आपको मिलेगा, सबसे पहले तो इस पे टिक होना चाहिए यूज कंट्रोल विजार्ड पे, फिर उसके बाद आप यहां पे क्लिक करें लास्ट ऑप्शन पे, एक बार फिर से देखें, ये लिखा है एक्टिव एक्स कंट्रोल। अब फिर लास्ट में चले आए, यहां पे देखेंगे तो विंडोज मीडिया प्लेयर मिलेगा, देखिए विंडोज मीडिया प्लेयर, तो विंडोज मीडिया प्लेयर को ले लिया और ओके किया हमने, अभी आ गया विंडोज मीडिया प्लेयर। तो अब इसको उठा के हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब क्या करें, इस पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद हम चले आए प्रॉपर्टीज में। राइट क्लिक करने के बाद जैसे ही आप प्रॉपर्टीज में आते हैं तो आपके सामने इस तरह से एक विंडो खुल जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है डेटा पे, डेटा अदर, अदर पे आ जाए, अदर पे आएंगे तो यहाँ पे यू आर एल लिखा है, कस्टम लिखा है, तो आप चाहे कस्टम पे क्लिक करके यू आर एल ले ले या यू आर एल लिख ले, तो यहाँ पे ब्राउज करें। अब ब्राउज करने के बाद आपके वीडियो जहां पे हैं आप वहां पे चले जाएं। जैसे हमने यहाँ पे एक वीडियो है, मैं आपको दिखाऊं छोटा सा वीडियो, तो ये वीडियो हमने ले लिया तो ओपन किया और अप्लाई करके ओके कर दिया। अब यहाँ पे इसको हमने क्लोज किया, क्लोज करने के बाद फॉर्म को सेव किया। अब जैसे ही हम यहाँ फॉर्म ओपन करेंगे तो इधर
सकते हैं, इधर वीडियो जो है प्ले होना चालू हो जाएगा। तो बहुत ही इजी वे में आप ये इंटरटेनमेंट के साथ आप जो है पूरा एक्सेस तैयार कर सकते हैं। और साथ साथ इसमें बहुत सारे और भी काम किए जा सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में इसका नॉलेज चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, तो हम आपकी और भी मदद कर पाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।